Can everyone see the screen? Hi, Sanjay. Okay. कल हमने लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था? पॉइंट वाला कुछ सीधी वाला ये कुसरी ना, ठीक ये है वाला कुछ ठीक है। आज हम ये करते हैं, लेट्स बिगिन गाइस। एग्जैक्टली 3 o'clock, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। पहले तो इस फोटोज फोर फोटोज में क्या हो रहा है, यू हैव टू स्कैन वेरी क्विकली राइट, जो हम अच्छे से करना चाहिए हमें। इसमें क्या हो रहा है जल्दी जल्दी बताओ, क्या तुम्हें दिख रहा है फर्स्ट थॉट पे? कोई ऑफिस का सीन है जहाँ पे फोटोकॉपी हो रही है, वेरी गुड, एक लेडी कर रही है फोटोकॉपी, देन वो बाद में वो जिन्होंने मंगवाई थी उनको सबमिट कर रही है लास्ट 2-3 फोटोज। और एक छोटी सी और दो तीन चीजें पकड़ो, फर्स्ट और सेकंड में एक डिफरेंस क्या लग रहा है तुम्हें? इसमें से पेपर जो है स्लोई वाइट है और उसमें ब्लैक थोड़ा सा। एग्जैक्टली, तो ये आपको नोटिस करना है, दो तीन ये चीजें ही पकड़नी है। चलो गाइस, रेडी एंड वील एनालाइज इट। पहले एक बारी ट्राई करो, एंड आई एम स्टार्टिंग इट नाउ। कैन एवरीवन हियर दैट? बेल सुनाई दे रही है? हाय सेंसेई, हाय सेंसेई, ओके लेट्स बिगिन, प्लीज राइट इट ऑल डाउन। ओके 3番、男の人と女の人が話しています。女の人は初めに何をしますか？田中さん、すみません。はい、何ですか？この白い紙を30枚コピーしてください。そしてこの封筒に1枚ずつ入れて玄関の近くに置いてください。わかりました。お願いします。その後、青い紙を60枚コピーしてください。それは私にください。はい。じゃあ、お願いします。女の人は、はじめに何をしますか？ Yes, guys. Anyone wants to try? उसके बाद सब साथ में करें। Sensei. Which one is it? बताएगा? चिबान। Why? सेंसेई उन्होंने सिरोई आमी बोला। Second answer. Okay, so रमेश सान says second, रोहित सान says first. Anyone else? I think first sensei. This was Shiroi Mohit San, na? Saurabh San. Saurabh, sumimasen. Saurabh San also says one. Anyone else? Wanna try? Very good. और Shiroi उसमें ही है, but ठीक है, हाँ. So see, this was a pretty straightforward question, but इसमें बहुत अच्छे एक दो grammar points हैं. उसको हम बस क्विकली एनालाइज कर लेते हैं, एंड यू शुड अंडरस्टैंड आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी आल्सो नंबर वन, बट लेट्स लिसन टू इट वन मोर टाइम, ठीक है? लेट्स लिसन वन बाय वन, टेल मी व्हाट दे आर सेइंग। ओके एक मिनट, मैं ना इस पे टाइप करता हूँ ऑन द स्क्रीन। ओके, पहले तो ये बताओ आज मंथ का कौन सा डे है आज? गोगात्सु जुइचिनिची। ओके गुड, और कल का रह गया था एक्चुअली हमारा, कल क्या था? तोका। यस, तोका, वो एक्सेप्शन ना, बहुत जरूरी है। एवरीवन नोस 10th डे ऑफ द मंथ इज कॉल्ड तोका गाइस, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। तो ऊ का, आई विल राइट इट हियर, तो का। और तुम में से काफी लोग अभी 20 के होने वाले हो गए या 20 के हो गए, राइट? हाय सेंसे, अभी 18 90 के होंगे सेंसे। ओए होए, सो जेलस ऑफ यू गाइस, हाउ डू यू से 20 इयर्स ओल्ड को क्या बोलते हैं? हताची। वेरी गुड। आल्सो वन मोर थिंग गाइस, मैं बहुत जरूरी बताना भूल गया, ऑलमोस्ट एवरी वन आई थिंक आपको ये क्लास में सीखा है या कहाँ पे, यू गाइज रोट निहोन जिन गाक्से देस, निहोन जिन
ऐसा कुछ लिखा आप लोगों ने, राइट? हाँ सेंसे, वो एक स्टूडेंट है उसने लिखा था। और फिर सब ने वही लिखा, तो मैं शुरू में सच, निहोंगो। हाँ तो ये आप डायरेक्ट निहोंगो, हाँ आप ये डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहे हो कि जापानीज स्टूडेंट हूँ मैं, बट दैट मैं दो मिनट के लिए तो आई वाज सो सरप्राइज्ड, मुझे लगा कि असली में कोई जापानीज बंदा ज्वाइन कर रहा है, एंड मैंने कहा N5 के लिए वाई इज निहोंजिन गाकसे ज्वाइनिंग, और वो भी गलत इतना जापानीज में दो तीन चीज़ें। सो प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक गाइस, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अगर ये आप N5 पास होने के बाद भी ऐसे निहोंजिन गाकसे और निहोंगो नो गाकसे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट? यू गाइज अंडरस्टैंड? हाँ तो वो ऐसे गलतियाँ मत करो यार, निहोंगो नो गाक से हो आप लोग, निहोंगो नो गाक से हो, ठीक है? अब लेट्स राइट दिस, ओके बैक टू ट्रैक, ओके। 3番男の人と女の人が話しています。क्या बोला है इसको भी लिख लो तो बेटर। 男の人と女の人は話しています। क्या बात है, इसमें वाह नहीं है, कल भी आपने वाह बोला था, और दिस इज़ अ गुड वे टू मेमोराइज गा पार्टिकल। तो ओतो गा है, हाँ। अब इसमें आपको स्क्रीन दिख रही है ना, यू कैन सी द हाय, इसमें कल हमने काजी किया था, तो ये ओतो को नो हितो तो ओन्ना नो हितो गा हना शिते इमास। तो ये इसमें गा इसलिए है क्योंकि आप गा का, पहले तो गा का यूज़ बताओ, सिंपल ये क्वेश्चन है, वा और गा में क्या डिफरेंस है, मोटा सबसे बड़ा डिफरेंस एक। वा तो पहले सब्जेक्ट पार्टिकल टॉप मतलब सब्जेक्ट मार्कर होता है, ठीक है, देन गा जो होता है वो सब सब सब्जेक्ट मार्कर होता है, एंड कभी कभी ठीक है हु? ठीक है, और कभी कभी हम वा के बदले गा को भी मतलब वा के बदले गा को भी रिप्लेस कर देते हैं। तो अब आप मुझे ये नहीं पता बताओ, इसमें फिर हमने गा क्यों नहीं यूज किया, सिंपल क्वेश्चन, इसमें हमने वा यूज क्यों नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन है, बताओ, ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ये पूछने वाला था कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर हम कोई वर्ब लगाते हैं तो हम गा यूज करते हैं, ये भी एक हो सकता है, देखा है मैंने। तो वा और गा, गाइस आई कैन इंट्रोड्यूस यू टू सम N3 N2 पीपल आल्सो, वो भी बोलेंगे वा और गा का हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि व्हाट इज द रीजन, यू नो, बट मैं आपको दो दो आपको ट्रिक्स देता हूँ। लाइक मैंने भी पहली बार जल्दी में सुना, आपने भी बोला वा, मैंने भी सोचा वा बोला होगा, बट देन आई व्हेन आई एम राइटिंग दिस आई थिंक गा इट मेक्स मोर सेंस। उसके दो रीज़न हैं, पहले तो आप ये डेफिनेशन ठीक करिए कि एक है टॉपिक मार्कर और एक है सब्जेक्ट मार्कर, ठीक है गाइस? उसको सब सब और वो सब का करने का कंफ्यूज मत करो कि सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट, जो भी आपको शायद बताया होगा या जो भी। दूसरी चीज़ होती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे भी बहुत सालों बाद पता ऐसे मतलब सेंस बना, वा में ना जो आप वा के बाद बोल रहे हो That is the important part of the conversation. वो आप बताना चाह रहे हो, समझ रहे हो? Hi sensei, hi hi. और गा में, गा के जो पहले है वो आपकी important information है। तो कोई आपसे पूछ रहा है, ये तो आपको पता ही है कि कोई बोल रहा है, ठीक है? Someone is talking, हमें हम बहरे तो है नहीं, someone is talking, हनाशते मास। तो मैं question पूछूंगा, दारे गा हनाशते मास, तो answer होगा ये ओतोको नो हितो तो ओन्ना नो हितो गा हनाश्ते मास। तो इससे सिंपल, मैं आपको, मुझे 4-5 साल लग गए ये समझाने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आप मुझसे 2 साल पहले पूछते कि वा और गा में क्या है, मैं आपको सिंपल बोलता एक टॉपिक मार्कर एक सब्जेक्ट मार्कर, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है गाइस? तो ये आपके लिए स्पेशल मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट रिमेंबर गा से जो पहले आता है दैट इज द इंफॉर्मेशन विच यू नीड, विच अदर पीपल यू नीड टू टेल अदर पीपल। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप उस पर जोर डाल रहे हो जो उससे गा से पहले है, ठीक है गाइस? बस सिंपली ये बताना चाह रहा था, ओके। सो इसमें था गा हनाश्ते मास, ओके नेक्स्ट।
女の人は初めに何をしますか？क्या बोला है गाइस? उन्नानो हितोवा हाथमीनी नानियो शिमास्का। Very nice. Pronunciation also good. ये कौन बोला है भाई? थोड़ा please मेरे को आ नहीं रहा है यहाँ पे कौन बोल रहा है? Was that? Ayushi. Ayushi san. Good to have you back. Okay. Very nice pronunciation also. तो ऐसे ही रखो आप pronunciation पे भी सब लोग अपना जोर देना. उन्ना एक बार फिर से रिपीट करना. ओन्ना नो हितो वा हाजी मेनी आगे हाँ यस एवरीवन कैन सी द बोर्ड एवरीवन कैन सी द स्क्रीन ना आई एम टाइपिंग इट फॉर यू गाइस हाय सेंसर ओके अब इसमें ये कांजी फेर आ गई हाजी मे में ये राइट वाला पार्टिकल क्या था स्वॉर्ड वाला था क्या बोलते हैं कताना तो ऐसी चीजें अब आप उठाओ दिमाग ऐसी चीजें आपके एकदम से आ जानी चाहिए तो ओन्ना नो हितो वा अब इसमें हमारा ये सब टॉपिक है लड़की ने तभी हमने सिर्फ वा बोला है और उसके बाद जो ये बोल रही है वो इम्पोर्टेंट है हाजी मेनी नानी ओ नानी की भी कांजी आपको अब रिकग्नाइज तो हो ही गई होगी इट्स प्रीटी इजी नानी ओ शिमास का ठीक है ऐसे ऐसे आपको ब्रेक डाउन करके सीखना है ओके नेक्स्ट तनाका सान सुमिमासेन हाई नान देस का ओके बताओ गाइस क्या बोला है तनाका सान सुमिमासेन हाई नान देस का वेरी गुड तनाका सान अब इसमें भी ता ता की कांजी आ गई सुमिमासेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन टेल यू कि सुमिमासेन बहुत बारी बोलता हूँ मैं अपनी क्लासेस में भी आप पूरा जापान सर्वाइव कर सकते हैं सिर्फ सुमिमासेन बोल के एक साल पूरा निकाल सकते हो आप जापान में क्योंकि सुमिमासेन थैंक यू भी है एक्सक्यूज मी भी है कोई अटेंशन वेटर को बुलाना है सुमिमासेन कोई आंसर नहीं आता आप सुमिमासेन बोल दो आपको छोड़ देंगे तो सुमिमासेन इज़ अ गोल्डन फ्रेज तानाका सान सुमिमासेन वो क्या बोलती है आगे से हाय आगे नान देस का यस सिंपल वेरी गुड प्रोनाउंसिएशन नान देस का ठीक है आगे चलते हैं ऐसे करके この白い紙を30枚コピーしてください ओके मेन फ्रेज この क्या बोले शिरोई कामी वेरी गुड शिरोई कामी हां कामी हो कितने सांजुमाई एक्सेलेंट सांजुमाई अब आपको ये माई काउंटर ओके नंबर्स की तो आपको सारी आती है ये कांजी मुश्किल है बट दिस इज फॉर ये क्या लिखा है मैंने कामी हाँ शिरोई कामी हाँ तो इसमें आपका आंसर पहले में ही आ गया शिरोई कामी ओ सांजुमाई आगे कॉपी कॉपी शिते कुदासाई अब इसमें ये शिते कुदसाई ओ शिते कुदसाई पैटर्न आपको बहुत यूज आएगा मैकडोनल्ड्स पे जा रहे हो आप बोलना है एक बर्गर चाहिए ओ हितोत्सु लाइक कौन सा होता है मैक वेजी ओ हितोत्सु कुदसाई ऐसे आपको ओ कुदसाई पैटर्न आपको बहुत सुनाई देगा तो आंसर आपका यहाँ ही आ गया शिरोई कामियो सांजू माई ये माई काउंटर सबको आता है रमेश सान डू यू नो दिस काउंटर हाँ यस ओके माई इज फॉर व्हाट गिव मी वन मोर एग्जांपल माई और किस चीज के लिए काउंटर यूज करोगे सर नोट के लिए पैसों के लिए मतलब वेरी गुड नोट के लिए करेंसी नोट ठीक है और शर्ट के लिए शर्ट के लिए बहुत तो थिन चीजें होती है काफी पतली चीजें एग्जैक्टली तो थिन चीज में आपका सीडी भी आ जाता है इसमें सीडीज की बात कर रहे हो ना आप फिर नोट्स बोल दिया इसमें कॉपी में पेपर बोल दिया तो ये माई आपका बहुत यूजफुल काउंटर है ठीक है आगे चलें गाइस जल्दी से इसको करते हैं बस ओके गुड जॉब ओके そしてこの封筒に1枚ずつ入れて現वेरी न्यू वर्ड्स इसमें क्या बोला है गाइस कोनो फूटो नहीं ऐसा कुछ हाँ फूटो क्या होता है वकारी पास में
पूतो क्या होता है? पता नहीं सेंसर। एनवेलोप, एनवेलोप होता है ना, हाँ हाँ लिफाफा। हाँ तो तो ये भी हाँ आता है, होनो फूतो, ये होगा ये वाला। ये देखा कांजी मुझे भी नहीं मिल रही है अब इसकी। फू, अब दिस इज व्हाई आई से इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न। आई थिंक इट्स इवन आई डोंट नो द कांजी बट आई अंडरस्टूड द वर्ड फ्रॉम द पिक्चर्स। आप फोटो में आप दूसरा देख रहे हो, ये मोटा बड़ा वाला लिफाफा है ये वाला। कोनो फू तो नी हितोत्सु जुत्सु, ये वर्ड आप लोगों ने डाउट इट सीखा होगा। एक सेकेंड फिर से सुनते हैं गाइज, ये लॉट ऑफ वर्ड्स। ओके そして、そして、この封筒に1枚ずつ入れて。ओके इम्पॉर्टेंट गाइज, आई डाउट इट आप लोगों ने अभी आपने डी यू वालों ने तो किया होगा। मैं इसको सिर्फ उसमें देख रहा हूँ, फू तो की आई हैव टू चेक द कांजी। कोनो फू तो नी इची माई जुत्सु, ये किसी ने वर्ड सुना है आपने जुत्सु? ये सेंसर देखा। और पर हमने ये कांजी की है, इरेते तो आपको आता है ना, इरेते हाँ हाई टू मीनिंग। पुट इनसाइड हाँ हाँ टू पुट इनसाइड जुत्सु इस सेंस में है मीनिंग ईच, ईच समझते हो ना, एक एक पेपर को, एक पेपर को एक एनवेलोप में डाल के। इची माई जुत्सु, समझ आ गया गाइस? हाई सेंसर ईच, अब इसमें आपको ये वर्ड बहुत सुनाई देगा, स्कोशी जुत्सु। ये आपको N4 में आपको सुनाई देना चाहिए, सुकोशी जुत्सु। स्कोशी जुत्सु आपको बहुत दिखेगा वर्ड ये। इसका मतलब है ग्रेजुअली, इसमें ईच नहीं है, इसका मतलब है धीरे धीरे कुछ करना। स्कोशी एक एक स्टेप लेते हुए धीरे धीरे। बट इन दिस केस इची माई जुत्सु। और इससे पहले बोला सोचते, सोचते का मतलब क्या है? एंड एंड हाँ, और उसके बाद ऐसे, हाँ सूर्य कारा नहीं बोला, सोचते। एंड अब इसकी प्रोनाउंसिएशन रोहित सान इसको रिपीट करो, आपका उस दिन हम ये मैं बोल रहा था ना इसको पढ़ना। सोचते सोचते हाँ, इसमें आप सोशी ते नहीं बोल रहे, जैसे आपने अपने रैप सॉन्ग में भी गा रहे थे ना, जो वो वायरल हो रहा है मुझे लग रहा है। उसमें हर हर वर्ड को इतना ऐसे, जो ये बीच वाले आते हैं, गाकू से नहीं बोलना, क्या बोलना है गाकू से की जगह? गाक से हाँ, तो वो याद रखना, बीच में बस कू और ये शी। अब नेक्स्ट वर्ड आरुषि सान, रीड दिस फॉर मी प्लीज, क्या लिखा है? आशिता एनीवन एल्स? आशिता यस, ये आप मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो प्लीज ये चीज़ें संभालो, यही डिफरेंशिएटर होंगे कि आपने मुझसे पढ़ा है या आपने किसी ऐसे ही बंदे से पढ़ा है जो कभी जापान गया नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको सेट अपार्ट करेंगी। आशिता नहीं बोलना, आश्ता बोलना है अब से। गाकू से नहीं सही बोलना, गाक से बोलना है, ठीक है? सही तो आई एम सॉरी आई एम पॉइंटिंग सेंसर दिस आउट, बट आप नोटिस करना, आप में, आप रियल में सुनोगे तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ आएगी कि इट्स टोटली अननेचुरल टू से लाइक आशिता या यू नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है गाइस, सॉरी आई एम बीइंग ब्लंट, बट आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, मेरे साथ भी रोज़ आ रहे हो, तो आई हैव टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स। मेरा मन था कि ना आपको ये टोकू बीच में, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन टू बी ऑनेस्ट। यू ओके गाइस? ऑल एवरी वन ओके? हाई सेंसे, ओके लेट्स मूव हाई ऑन। सेंसे हाय अरिगातो। सेंसे प्लीज बता दिया करो ऐसी छोटी छोटी बातें। यार इंडिया में ना सच बताओ लोगों को बुरा लग जाता है, किसी को लगता है बार बार टोक क्यों रहे हैं। बट अब मैं आपको क्या बताऊं कि आई एम नॉट डूइंग दिस कि आप लोग यू नो जाके ऐसा बोलो। माई थिंग इज आप लोग अच्छा बोलोगे, मेरा मुझे प्राउड फील होगा कि अच्छा भाई मैंने कुछ तो किसी का किसी को ठीक बताया है यहाँ पे। तो आई कीप ऑन करेक्टिंग यू, ठीक है गाइस? हाय आप सेंसे, इस आज आज हाय अरिगातो, आज ये वर्ड अरिगातो जुत्सु, गोज़ाइमासु, हाँ हाय ये इचिमाई जुत्सु भी आपको वर्ड कोई नहीं सिखाएगा, बट ये आपको लिसनिंग में देखो N5 में आ गया। दिस इज अ N5 क्वेश्चन। इचिमाई जुत्सु ईच, हर एक में एक एनवेलोप में एक वो डाल के इरेते कुदासाई।
उसके आगे अब हम चलेंगे ठीक है. गेंकान नो चिकक नी ओइते कुदासाई. ओके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या बोला है. गेंकान नो चिकाकू. क्या बात है उसके बाद समझ में आया. चिकाकू नी ओइते कुदासाई. वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न गाइस. गेंकान का मतलब पता है किसी को? हाई सेंसेस फ्रंट एंट्रेंस. हाँ तो आपको पता है ना जापान में गेंकान पे ही सब लोग अपने जूते उतार देते हैं राइट. तो वो गेंकान के दो फायदा होता है. एक तो थोड़ा सा वो एलिवेटेड भी होता है तो कोई बाहर से कोई कीड़े वगैरह घर में ना घुस जाए तो उसके लिए होता है. दूसरा ये जूते उतारने के लिए. तो वो इनकी ये है गेंकान. वो इनकी ऑलमोस्ट लक्ष्मण रेखा टाइप है गाइस. बहुत सीरियस होते हैं. मैंने भी गलती की थी जापान में. मैं किसी के ऑफिस में गया था बहुत बड़े बंदे की और उसने अपने मुझे लगा ऑफिस में तो वो जूते नहीं वो अपने ऑफिस में भी जूते उतारने थे मुझे यहाँ एंट्रेंस पे. कैन यू सी हाई सेंसे. तो ये जो एरिया होता है ये ऑलमोस्ट लक्ष्मण रेखा जैसा है जापानीज लोगों के लिए. आपको ये ध्यान रखना है गेंकान में ही अपने जूते उतारने हैं और वो आपको दूसरी स्लिपर्स देंगे वो पहन के आपको अंदर आना है ठीक है. ये याद रखना आप. और अब तो ये कोविड चल रहा है. मैं भी जब जापान से वापस आया था मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रूल है घर में भी जूते अंदर नहीं आते मेरे. तो अब कोविड के टाइम में लोग वैसे ही अब वो करना भी शुरू कर रहे हैं कि जूते थोड़े आराम बाहर साफ करके या उतार के कर रहे हैं राइट. तो आप लोग भी ये हैबिट ट्राई कीजिए कि जूते हम इंडिया में बहुत उसको कहीं पे भी ले जाते हैं पर आधे से ज़्यादा जर्म्स जूतों से ही आते हैं ठीक है गाइस. गेंकान नो चिकाकुनी ओइते कुदासाई. ओइते वर्ब कौन सा है? ओकिमास. यस हम कर चुके हैं ये. ओकिमास टू पुट. यस तो ओइते ओइते कुदासाई यहाँ पे टेबल पे रख दो. ओके ये कैसे बोलेंगे कोई भी बताइए. वेर इज और हमारे वो कहाँ है? सुदेशना सान नहीं है आज? सुदेशना सान है ना. अरे सुदेशना सान आप चुप बैठे हो तब से आप. ये डीयू वाले तो बहुत पढ़ते हैं वैसे. आप ट्राई टू आंसर ठीक है. अब आपको ये बोलना हो टेबल के ऊपर हमने किया था टेक्स्ट बुक को टेबल के ऊपर रख दीजिए प्लीज. ये मैंने आपको टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल के टाइम पे बताया था. अब ये मुझे आप बताओ कैसे बोलेंगे टेक्स्ट बुक को टेबल के ऊपर रख दो. टेक्स्ट बुक का वो क्या मुझे याद नहीं है. मैंने बोला याद करो बिकॉज इट्स यू विल सी इट इन फाइव. कोई और बताएगा टेक्सटबुक को क्या बोलते हैं गाइस? टेक्सटबुक भी होता है बट वो कांजी मैंने सिखाई भी थी आपको. एनीवन एक क्वेश्चन आया था एक्चुअली हमारा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों काशो. एनीवन रिमेंबर्स? अभी बोल सकती हूँ. हाँ क्यों काशो? अब आप बताइए टेक्सटबुक को टेबल के ऊपर रख दीजिए प्लीज इफ आई टेल यू टू. कोनो के ओकाशो ओ सुकुएनो उएनी ओइते कुदासाई. वंडरफुल. तो ये ओइते आपको बहुत जगह पे यूज होगा. सो जस्ट रिमेंबर. सेंसे हाँ या आई हैव क्वेश्चन. इन्होंने ओइते कुदासाई बोला तो आपने बोला टेबल के ऊपर तो उसके लिए तो नो से मास यूज करेंगे ना. नहीं नहीं उन्होंने हाँ नो ही मैंने टेबुरुनो उए मैंने बोला. हाँ मैंने बोला सुकुए नो हुए नहीं ओइते कुदासाई. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. नहीं हाँ हाय जी उस पे रख दो. वो आप कौन सा वर्ड बोल रहे हो? नोसे ते नोजे मास का बनता हो. नोसे ते कुदासाई. हाँ बट अभी हम ये ओकू का वर्ब यूज कर रहे हैं ना इसलिए इसमें आप ओइते कुदासाई वो इज परफेक्टली फाइन मींस रख दो. तो आप उस इस वर्ब की बात हो रही है अभी. ओइते ओइते का ओकु तो इन्होंने सुदेशना सार ने बोला सुकुए नो उए नी टेबल के ऊपर ठीक है. सुकुए नो उए नी ठीक है. अब आगे करते हैं
आई फॉर सम रीजन आई कांट फाइंड द लिस्ट ऑफ यू गाइज हु स्पीकिंग एंड हुज ये देखो आप ओपन अप द जूम आज ये डिफरेंट मेथड से मैंने अपने कैलेंडर से आपको बना के भेजा अब आई कांट सी दैट सो जस्ट या एनी वे आई एम गोना बिगिन दिस नेक्स्ट सेंटेंस わかりました。お願いします。その後、青い紙を60枚コピーしてください。OK。キャボラ。その後。Anyone? わかります。After this. はあ、その後。キャカネゴボラオスネ。We'll play it again. Copy banana. ऐसे मोइची दो ने गाइस मास. Okay. I'll play one more time. ये 置いてください。わかりました。お願いします。その後、青い紙を60枚コピーしてください。Anyone? 青い紙。And for青い紙60枚。जो पहले बोला था वही सेम है रोकुजुमाई कॉपी शिते कुदासाई रोकुजुमाई कॉपी अच्छा गाइस मैंने पहले पूछा नहीं आप लोगों का ही काताकाना कैसा है सबका हम बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहे इज एवरीवन ओके विद काताकाना एक लिस्ट दूंगा मैं काताकाना वर्ड्स की बट आर यू ओके हाय सेंसे ओके क्योंकि आई डोंट गो इन टू काताकाना क्योंकि आपको जो थोड़े से ही वर्ड्स आते हैं N5 में काताकाना के तो वो आप जैसे एक ये टफ मुझे हमेशा लगता है ये लर्न कर लेना गाइस ये मुझे अभी भी तंग करता है व्हाट इज दिस रिटन पासुकोन हाँ इसका एक मैं क्वेश्चन भेजूंगा आप लोगों को उसमें वो इतना सिमिलर करके बना रहे हैं यू विल ऑल गेट कन्फ्यूज तो ये नो तो पासोकोन कोपी कोही जो नॉर्मल में आप ये वर्ड्स यूज करते हो ताकुशी वो सारे वर्ड्स ताक्षी होता है ना जैसे ताकुशी ये सारे वर्ड्स आपको याद करने चाहिए ठीक है गाइस तो रोकू जू माई अब ये कंफ्यूज करने के लिए बस बोल रहे हैं 60 कॉपीज रोकू जू माई ब्लू वाली पेपर के कर देना सो दिस विल कन्फ्यूज द पीपल की वो सेकेंड वाला आंसर के लिए ठीक है अब उसके बाद लिसन सोरेवा ओके वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोला सोरेवा वाताशी नी कुदासाई हाँ मीनिंग गाइस इसके बाद मुझे दे देना हाँ अब ये इतना सिंपल पैटर्न है बट इसमें नी का यूज़ आपकी तरफ कुछ आ रहा है अब एक वर्ड और बताओ हमने किया था कांजी में आई थिंक एक प्रैक्टिस में टू हैंड ओवर को क्या बोलते हैं दो तीन वर्ड्स होते हैं बट किसी को पता है वाताशिमास वाताशु तो वताशिते कुदासाई भी बोल सकते हो आप वताशिते कुदासाई बट इन नेचुरल कॉन्वर्सेशन You will not say Watashite Kudasai, you will just say this one. Sore wa Watashi ni Kudasai. Sore kara ya kuch bola tha na? Sore kara ya kuch? One more time this, then finish karte hain. Kopi shite kudasai. Onegai shimasu. Sono ato, aoi kami wo 60 mai kopi shite kudasai. Sore wa Watashi ni Kudasai. Okay, wohi jo kiya hai copy usko, sore wa Watashi ni Kudasai. All okay, Sudeshna-san? Yes. Okay, so this is a simple pattern, but aap kisi ko bolna chaho, mujhe de do, so you will just say dash dash watashi ni mujhe watashi ni kudasai. Bas, that's all you have to say. Theek hai? Aage. Hai. Next. Ja, onegai shimasu. Ja, onegai shimasu. Okay, pretty simple guys, but you should use these words onegai shimasu in your normal life also. मीनिंग क्या होता है उन्हें गाइस शिमास का एनीवन थैंक्स ग्रेटिट्यूड ओके प्लीज प्लीज हाँ प्लीज डू दिस मोर विद प्लीज थैंक्स
नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि दिस इज नेगाई मीन्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू. ओ नेगाई का नेगाई इज लाइक नेगाओ, टू रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट समवन, सो इन अ वे प्लीज. बट कुदासाई इज ऑल्सो प्लीज, सो यू हैव टू रियलाइज दैट दिस इज यू आर रिक्वेस्टिंग समवन दैट ओ नेगाई शिमास प्लीज ये कर दो, या प्लीज ऐसा चाहिए या ऐसा कर दीजिए. ठीक है गाइस, दैट्स इट. प्लीज लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन ऑन योर ओन वन मोर टाइम ऑन द यूट्यूब थिंग. एंड नाउ लेट्स सी क्विकली टूडेज कांजी. वी हैव सेंसे, जो आई हैव अ क्वेश्चन, जो फर्स्ट लाइन मतलब इसमें फर्स्ट लाइन थी क्या था वो, हाजी में नहीं. हाँ, तो मुझे वो चीज समझ में नहीं आई. हेलो, उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन क्या बैठेगा? पहले हाजी में नी का प्रॉपर, नी के कितने, तीन या चार यूजेस हैं. हाजी में नी आप सेट लर्न कर लीजिए. हाजी में नी इज इन दिस केस अ टाइम फ्रेम, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम. जैसे जू जी नी कीते कुदासाई, 10 बजे को आइए प्लीज. हाजी में मास वाला, हाजी मेरू वर्ब का, हाजी में नी शुरू में, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब शुरू में की बात कर रहा है वो. हाजी में नी नानी ओशे मास का, उसमें नी पार्टिकल वो वाला यूज हो रहा है. ठीक है, आई होप ये कॉल चलती रहे. ये मुझे वो अभी तक तो कोई वो नहीं आया कि 40 मिनट्स का है कुछ. ओके, वी हैव डन बोथ ऑफ दीज, बट देर आर ओनली 2-3 वर्ड्स आई एम गोना टेल यू जो आपको याद करने चाहिए. एज ऑलवेज रोहित सान, प्लीज कैन यू रीड द कुन योमी एंड ओन योमी रीडिंग फॉर मी. रोहित तो हाय, ओनेगाई शिमास. आवाज नहीं आ रही. एनीवन एल्स? रमेश सान, कैन यू रीड द हाय सेंसे. हाय सेंसे, कैन यू रीड? यस सर. फर्स्ट रेस्ट कुनियोमी दास. हां, कुनियोमी क्यू. हाँ, नहीं नहीं, कू नहीं है. क्यू क्यू. हाँ, तो अब आपको इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता रहा हूँ. यासुमी तो आपको आता ही होगा, राइट? ये तो रेस्ट कर रहा है, बहुत इजी है. यासुमी इसकी कुनियोमी इज इजी. अब क्यू के साथ मैंने आपको उस दिन बताए थे, दो वर्ड ये लिख लो. पहले तो क्यू के, जो बहुत ही बेसिक वर्ड है, किसी को इसका मीनिंग पता है? एनीवन? बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, बहुत बारी सुनोगे अगर आप जापान जाओगे. क्यू के सुना है? एनीवन? ओके, नहीं सुनते हो. दूसरा वाला, या रिसेस होता है ना स्कूल में, आपका ब्रेक होती है, तो क्यू के शिमाशो, लेट्स ब्रेक. आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग बड़ा मेहनत कर रहे हैं, एकदम से मैं बोलूं ओके हाय क्यू के शिमाशो, मीनिंग क्यू के शिमाशो. Let's take a break. तो क्योंकि I'm surprised, इतना stress नहीं देते, but when I went to Japan, इतना क्योंकि की बात हो रही थी क्लास में और टीचर्स, मुझे उस वक्त खुद भी नहीं पता था, but this is such a common word कि ब्रेक लेना, like क्योंकि नो आतो शिमाशो, like क्योंकि नो आतो कांजी नो रेंशु शिमाशो. तो क्योंकि के की कांजी इज वेरी टफ, आई नो, बट यू शुड नो दिस वर्ड. ओके, नेक्स्ट फेवरेट ऑफ मी टू आस्क सुदेशना सान, व्हाट इज दिस वर्ड, जल्दी बताओ. नीचे जो है दिस वन. एनीवन? ओ दैट. ओके, आई सेंस इट. टेल मी, दैट वन इज क्यूजित्सु. हां, क्यूजित्सु. हां, तो इसमें आपको जित्सु की रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है हॉलीडे, लाइक छुट्टी का दिन, रेस्टिंग का डे. ठीक है, अब बस आप ये वर्ड इसके लिए, इसका दूसरा था क्यू और ये, बस ये दो वर्ड आप अभी अच्छे से रीडिंग के लिए कर लीजिए. यासुमी का मैं वर्ड नहीं बता रहा, यासुमी नो ही, वो तो आपको आता ही है ये, व्हेन इट्स यूज्ड इन द कुनियोमी रीडिंग. ठीक है, क्यो वा यासुमी देस, आश्ता वा यासुमी देस, साइकिन इत्सुमो यासुमी देस, माइनिची यासुमी देस.
लॉकडाउन करा इत्सुमो यासुमी ने। ठीक है अब नेक्स्ट ये इसका सर ये यास हाँ यासुमी माशो भी तो होता है ना लेट्स टेक अ ब्रेक हाँ बट दैट इज लाइक आप छुट्टी ले रहे हो कोई जगह से व्हेन योर क्लास इज गोइंग ऑन एंड यू वांट टू से यू वांट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट अगेन देन इट्स बेटर टू यूज क्यूके एंड यू विल हियर क्यूके इन क्लासरूम इन जापान एंड नॉट यासुमी यासुमी वुड मीन लाइक पूरा दिन छुट्टी हो गया या आप रेस्ट कर रहे हो अब बस पूरा ठीक है Got it? हाँ, वो word अच्छा है useful इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ very good question but in a real situation you will hear QK in classroom 99.9% of the time in Japan मैं Japan की बात कर रहा हूँ India में तो आधे लोग जो Japanese पढ़ा रहे हैं they have themselves never been to Japan ये मैंने personal experience से देखा है 99% of people have not been neither उनको जाना है कभी तो वो बस जो बुक में पढ़ा है वो आपको बता देंगे बट जो मैंने असली में वहाँ सुना है वो भी आप थोड़ा सा लर्न कर लो बिकॉज आई डू होप आप में से काफ़ी लोग जापान जाएं काफ़ी लोग क्या आई होप सब लोग जाएं तभी कुछ फ़ायदा होगा ठीक है गाइस ओप्स दैट्स माय डॉटर ओके वन मिनट वेयर इज द ओके स्ट्रोक ऑर्डर बताओ इसका बिना देखे अच्छा अनदर थिंग इसमें रोहित सान इसमें रेडिकल कौन सा है ये यासुमी की कांजी में रेडिकल कौन सा है अगर मैं आपसे पूछूं सेंस लेफ्ट में पर्सन रेडिकल वेरी गुड बस वो राइट में वो तो पता ही नहीं 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 तो ये ही मैं मुझे भी नहीं की कांजी है हाँ उसका वो पार्ट कांजी है हाँ तो रेडिकल इसमें एक ही है पर्सन का अगर आप सर्च करो पुराने टाइम में ऑनलाइन डिक्शनरी और ये जीशो थोड़ना होता था बुक में आपको रेडिकल ढूंढना है और रेडिकल के नीचे आपको देखना है तो जो मीनिंग दे रहा है वो सिर्फ ये पर्सन की कांजी हितो की कांजी दे रहा है इसमें अब इसमें स्ट्रोक ऑर्डर देखो राइट वाला ये ब्रांच पहले और फिर लेफ्ट वाला ये सिक्स ठीक है ये याद रखना नेक्स्ट वाला ओप्स आई हैव अ टाइपो ओवर हियर सुदेशना सान कैन यू रीड द कोन एंड ओन योमी रीडिंग इफ इट्स बिग इनफ ऑन योर फोन प्लीज कैन यू रीड दिस यस हाय सेंसे हाय दोजो कारादाई हां नहीं दिस इज अ सुमिमा सेन दिस इज अ टाइपो आई वाज ओके फाइन दिस इज या It is Karada. Yes, only it Karada. Means body. Yes. And the onyomi reading is Tai and Tei. Yes. Ab Tei se aapko itne words N5, N4 mein bhi nahi dikhenge. Bas learn Tai and Karada. Theek hai? What is the story of this? Do you know? Kya banaya hai aapne ye story iska? Body kaise hai ye? Anyone? एक पर्सन बुक पढ़ रहा है तो हाँ तो ये तो बुक की हो गई और उसकी हो गई ना पर्सन मतलब पूरी तन मन से बुक पढ़ रहा है ऑसम बहुत बढ़िया नो इट इज इट इज तन मन से हाँ यस आई थिंक इट इज फ्रॉम रूट हाँ जैसे मतलब हॉर्न का होता है ना एग्जैक्टली exactly. आप वो भी यूज कर सकते हैं दैट्स अ बेटर स्टोरी गुड तो पर्सन का ट्रंक वैसे ये उसके लिए होता है ना जैसे पेड़ का ये ट्रंक पे ओरिजिन पे मारा हुआ है उस पे कट मारा हुआ है बट आई लाइक दिस स्टोरी बेटर पर्सन तन मन से बुक पढ़ रहा है तो वो उसका तन है उसकी बॉडी है ठीक है इसका इसका वर्ड बताओ कोई पहले तो कारादा सिर्फ हो गया ये आना चाहिए फिर आपको ये आता है किसी को किसी ने ये सुना हुआ है ये किसी ने सुना हुआ है द सेकंड वन इज टफ ऑफ कोर्स हैज एनीवन हर्ड दिस बिफोर राजियो आई सही आई सो हां हैज एनीवन हर्ड दिस
दिस इज अ वेरी यूनिक जापानीज थिंग एंड वी यूज टू डू आई यूज टू राजियो हाँ हाँ आई यूज रेडियो थाईसो हाँ रेडियो राजियो थाईसो क्या होता है किसी को पता है थाईसो यस एक्सरसाइज वेरी गुड तो जापान में आप गूगल करना यू विल बी सरप्राइज असली में लोग ये सब एक मिनट फर्स्ट लेट्स सी वी लाइव राइट या असली में लोग ये सब करते हैं काम शुरू होने से पहले एक्सरसाइज करते हैं एरोबिक्स टाइप बिल्कुल ही अजीब लगता है बहुत बट दिस इज द स्टैंडर्ड आपके सुबह सुबह रेडियो पे आएगा ऐसे राजियो ताइसो या यू हैव डन दैट रमेश सर एक्चुअली मैंने मारुति सुजुकी में काम करा है तो वहाँ पर भी मतलब डेली हाँ तो काम करते थे मतलब ऐसे ही काम करने से पहले एक्सरसाइज करते थे तो इट्स अ वेरी नाइस कस्टम आपकी बॉडी सारी खुल जाती है एंड पीपल परफॉर्म बेटर सो राजियो थाई सो सर्च करना ठीक है नेक्स्ट है थाई थाई इकुकान ये सुना है थोड़े टफ वर्ड्स है इसमें बट ये बहुत सुनने को मिलते हैं थाई कुकान क्या होता है किसी को पता है फिजिक वो जिम के लिए लगता है ताई ताई शिक ताई कुकान ठीक है जिम ही है वेरी गुड गाइस गुड जॉब तो थाई की ये दोनों रीडिंग लर्न करो थाई में हो गया आपका और ताई के था ताई के एक्सपीरियंस थाई के यस थाई के ई थाई के तिक्की भी होता है ठीक है थाई के आप कर सकते हो ये पर खेकान होता है एक्सपीरियंस के खेकान भी यूज़ करते हैं ठीक है थाई के और एक वर्ड और कर लेते हैं जू थाई सुना है किसी ने जू थाई सुना है किसी ने बॉडी बॉडी वेट यस तो ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को कुछ अहमियत किसी चीज़ को देते हैं उसमें भी होता है लेट मी सी वन मोर वर्ड गाइस थे से तो कोई मिल भी नहीं रहा था लेट मी जस्ट लुक फॉर वन एंड देन वी गोना रैप अप बट एज आई एम सेइंग आई नो आपको ये कांजीज आती हैं राइट आई नो आपको आती हैं बट इफ आई पुट दिस इन अ सेंटेंस यू हैव टू रीड द राइट ओनियोमी एंड द कुनियोमी सो दैट्स वाई आई एम स्पेंडिंग सम टाइम पर्पसली ऑन दीज इम्पोर्टेंट बेसिक वर्ड्स टू स्टार्ट विथ अब कहाँ गया लेट्स सी बॉडी अच्छा जब तक मैं सर्च कर रहा हूँ आई रियली वॉन्ट टू नो आप लोग जो सब हो हाउ डू यू स्टडी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आपकी क्लासेस तो आई डाउट इट इतना हो रहा है राइट क्लासेस हो रहा है आपका क्या हो रही है क्या सेंसर खत्म हो गई क्लासेस हाँ तो आप लोग कहाँ से मोटिवेशन और ये आप जैसे आप मेरे यहाँ 3 बजे भी मेरे साथ पढ़ रहे हो इट्स अ गुड थिंग आप लोग कैसे कर रहे हो ये लाइक व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड आपको अपना टेस्ट पास करना है कि क्या है मेन मोटिवेशन रीजन क्या है थोड़ा बताओ एनीवन रोहित तो सेंस से मोटिवेशन तो यही है कि मतलब ये आखिरी चांस है मेरा तो ये आखिरी चांस है कुछ करने का लास्ट चांस मिला है तो मैं इसको पूरी तरह करना चाहता हूँ क्योंकि नहीं क्या करने का आप पढ़ के क्या करोगे मतलब क्या करोगे पढ़ के जैपनीज मतलब जॉब चाहिए मुझे एक अच्छी ठीक है मतलब गुड जॉब गुड विद तो हैंडसम सैलरी दैट इज ऑल्सो योर मोटिवेशन विच इज वेरी गुड ओके जूता ये सीरियस कंडीशन गाइस सॉरी बॉडी वेट का खे वो मेजरमेंट का खे डिफरेंट होता है वो दिस इज जू ताई भारी सर ये पहले आएगा और जू बाद में आएगा तो बॉडी वेट होगा राइट राइट एक सेकेंड मैं कंफ्यूज कर तो बाकी एक एक अपने बताओ यार व्हाट इज योर मोटिवेशन हाँ दैट इज थाई जू ये एवरीवन एल्स हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ वैसे तो आपको स्कूल जाना होगा तो आप कॉलेज जाना होगा आप पढ़ोगे लॉकडाउन में हाउ डू यू मेक योर स्केड्यूल लाइक मेरे साथ तो आप पढ़ रहे हो बाकी आप क्या पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो
बाकी तो मैंने टाइम टेबल बना रखा है कि मतलब इतने घंटे से इतने घंटे तक ये चीज को टाइम देना है, इतना घंटा ये चीज को टाइम देना है, तो उसी के शेड्यूल के साथ चलता रहता हूँ। देन और कुछ करने को होता भी नहीं है, मतलब फोन इतना चला चला के बोर हो जाते हैं। यू आर एंजॉयिंग डूइंग यस दैट इज द मेन पॉइंट। मैंने देखा है कितने लोग लैंग्वेज में ऐसा नहीं चल सकता कि आप एंजॉय नहीं कर रहे हो और फिर आप पढ़ रहे हो, यू नो आपको अगर एंजॉय नहीं कर रहे तो आपको करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, यू नो। अब मैं आपके साथ जैसे अब कल मैं एक ना वो लगाऊंगा, एक वील वॉच लाइक डोरेमोन या एक एपिसोड देखेंगे कोई, ठीक है। अब आप उसको समझना शुरू करोगे, दैट इज द रियल एंजॉयमेंट। किया बिना लाइक मैं कभी कभी इतना हैरान होता हूँ, बिना सब टाइटल के मैं एक पूरी मूवी देख लेता हूँ, यू नो, चाहे मुझे उसका सारा वर्ड ना समझ आता हो, बट मतलब 100% किसी को भी नहीं, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है, बट आई कैन वॉच अ मूवी एंड आई नो लाइक मेन 99% की क्या बात हुई है। सो आपको वो चीज़ें अपने चेक करना चाहिए। वन सेकेंड, कैन एवरी वन सी मी? सॉरी आई एम वेयरिंग माई JSI टी-शर्ट। यूजली अगर आप हमारे गुड़गांव में होते आई वुड हैव गिवन यू वन ऑफ दीज टी-शर्ट्स ऑल्सो, बट आई कांट सी माई सेल्फ। या ये आज मैंने डिफरेंट सेटिंग से किया। सो एनी वे आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू गाइज, तो जू ताई और थाई जू, वेरी गुड पॉइंट। वॉज दैट आयुषी सान आरुषी सान हु मेंशनड इट? Arigato ne. This is the benefit of you know, studying together. So this is some serious issue like importance upar wala aur thaiju is body weight. To aapko forms dikhte hain Japan mein, you will see the second one ki apna height aur wo weight likhiye, to aapko ye second wala dikhega phir thaiju. Okay guys, that's it. Bahut aap logo ka dimag kha liya. Let's meet tomorrow and I would urge you, जो आज हमने audio किया था ना, इसको एक बारी फिर पूरा आपको सुनना है and now things will make more sense. I'm playing it again. 3番ये वाला आपको फिर से सुनना है।男の人と女の人が話しています。女の人は初めに何をしますか？田中さん、すみません。はい、何ですか？この白い紙を30枚コピーしてください。そして、この封筒に1枚ずつ入れて、玄関の近くに置いてください。わかりました。お願いします。その後、青い紙を60枚コピーしてください。それは、私にください。はい。じゃあ、お願いします。 Okay guys, that's it. Any questions? Sudeshna-san? All okay? Hi, sensei. All okay, Sudeshna-san? Yes. Yeah, we picked up some new important words. Ichimaizutsu, irete kudasai, and watashi ni kudasai. Ye sab important words hain. So please learn it, okay? Yes. ठीक है, and today's kanji again, write all these words with pen and paper. It's a small difference, तो आप वो कहीं भूल ना जाओ. ये just it's a simple kanji, but आप इसको mess up कर सकते हो, इसको भी काफी लोग. ठीक है guys. That's it. Sensei. Yeah. Thank you guys. I'll see you guys tomorrow. Hi, Madane. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Bye bye. Okay, please drop the call. Oh, ab sabka dikh raha hai. Okay. Bye. Hi. Hi.